अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कल हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में हमने टॉपिक शुरू किया हुआ है और ये इस चैप्टर का ये थर्ड चैप्टर है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में इस्तेमाल होने वाली मुख्तलिफ डेटा टाइप्स कौन कौन सी हैं। उसके बारे में हम लोग डिटेल से हम डिस्कस कर रहे थे। ये मैंने आपको बताया था कि जब हम एक्सेस को स्टार्ट करते हैं, जब वो ओपन करते हैं, ये मैंने आपको बताया था कि कॉलेज के नाम से डेटाबेस हमने चूंकि पहले बनाई हुई है, वो तो मैंने आपको पिछले चैप्टर में मैंने इसका तरीका बड़ी डिटेल से बताया था। अब हम इसी को डेटाबेस को जब ओपन करते हैं तो अभी इस पे कोई टेबल नहीं बना हुआ। कल मैंने कुछ बनाया था, मैं दोबारा आपको ज़रा बताना चाह रहा हूँ। जब हमने टेबल क्रिएट करना है, ये मैं एक्सेस 2000 को फॉलो नहीं कर रहा, ये एक्सेस 2016 जो है ना, ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसमें टेबल नया क्रिएट करना, मैंने आपको ये बताया था कि टेबल जो है वो डेटाबेस का बहुत इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट है। पहले स्टेप पे जब भी आपने कोई डेटाबेस बनानी है, सबसे पहले आपने डेटाबेस क्रिएट करनी है, जिस भी नाम से आपने क्रिएट करनी है। उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि उसमें टेबल स्क्रिप्ट बनाने हैं और टेबल्स में उसका स्ट्रक्चर पहले आपने क्रिएट करना है। जब टेबल क्रिएट होगा, उसका स्ट्रक्चर क्रिएट होगा, तो फिर हम उसमें डाटा जो है वो हम स्टोर कर सकते हैं। जिस तरह से कल मैंने स्टार्ट किया था कि ये ऊपर मेन्यू बार में क्रिएट है, इसमें ये टेबल है कि हम नया टेबल क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो इसने बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो टेबल वन देता है। इस तरह दूसरा टेबल क्रिएट करेंगे तो टेबल टू, लेकिन टेबल वन और टेबल टू से नहीं पता चल रहा है कि किसका टेबल है, इसमें रिकॉर्ड्स कौन से हैं। लिहाजा मैंने आपको ये बताया था कल कि हमेशा रेलेवेंट टेबल नेम दें। मसलन अगर आप स्टूडेंट का टेबल क्रिएट कर रहे हैं तो स्टूडेंट नेम दे दें। अगर आपने टीचर्स के रिकॉर्ड रखने हैं, उनके रिकॉर्ड को स्टोर करना है, तो उस टेबल का नाम टीचर रख दें, ठीक है ना। तो इसमें आपने इसका ये मैंने आपको कल टू व्यूज़ इसके डिस्कस किए थे कि टेबल के आम तौर पे दो व्यूज़ होते हैं, एक जो है वो डाटा शीट व्यू और एक डिज़ाइन व्यू। और इसमें मैंने कल आपको फ़र्क भी बताया था कि डाटा शीट व्यू वो व्यू होता है जिसमें हम रिकॉर्ड एंटर करते हैं, यानी डाटा एंटर करते हैं, लेकिन उस सूरत में हम इस व्यू को इस्तेमाल करते हैं जब टेबल का स्ट्रक्चर पहले बना हो, यानी उसके फील्ड नेम, उसकी डाटा टाइप्स और उसमें जो भी हमने फॉर्मेट सेट करना है वो सारा टेबल का स्ट्रक्चर पहले से डिफाइंड हो, तो फिर हम डाटा शीट व्यू में उसका रिकॉर्ड एंटर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस, और दूसरा डिज़ाइन व्यू है। डिज़ाइन व्यू एक ऐसा व्यू है जिसमें हम टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। जैसे ही हम डिज़ाइन व्यू पर क्लिक करते हैं तो वो पहले आपसे टेबल का नाम पूछता है। चूँकि हमने इसमें स्टूडेंट का डाटा रखना है, तो आप इसको कल मैंने आपको बताया था कि इसका नाम हमेशा रेलेवेंट रखें, तो इसका नाम हम रख रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है जी। अब इसमें मैंने आपको ये बताया था कि ये फील्ड नेम आईडी बाय डिफ़ॉल्ट वो रखता है, प्राइमरी की भी लगाई हुई है पहले, लेकिन हमने अपनी मर्ज़ी से सेटिंग करनी है। पहले आप इसको सेलेक्ट करें और प्राइमरी की को दोबारा जाके क्लिक कर दें तो ये अनक्लिक हो जाएगा, यानी इसकी प्राइमरी की जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी प्रॉपर्टी जो है। अब आपने इसमें अपनी मर्ज़ी से फील्ड रखना है, तो सबसे पहले आपने मसलन स्टूडेंट का रोल नंबर रखना है, ठीक है। तो आप एस, मैंने आपको ये बताया था कि रोल नंबर आप इकट्ठा लिख दें या रोल स्पेस नंबर लिख दें, वो उसमें अंडरस्कोर, सॉरी इसमें ब्लैंक स्पेस नहीं देनी, रोल अंडरस्कोर नंबर दे दें, ठीक है ना। मैंने मसलन जिस तरह से एस अंडरस्कोर रोल नंबर, ये मैंने एक यानी स्टूडेंट का रोल नंबर, और इसकी अब ये तो मैंने फील्ड नेम दे दिए, ये तीन कॉलम्स हैं इसमें। कल मैंने आपको बताया था फील्ड नेम, डाटा टाइप और डिस्क्रिप्शन, ठीक है। फील्ड नेम इस यानी ये हम टेबल का बेसिकली स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर रहे हैं। फील्ड नेम जो भी हमने टेबल में फील्ड्स के नाम रखने हैं वो आपने इस कॉलम के अंदर देते जाना है, और हर फील्ड की कोई ना कोई डाटा टाइप होगी,
मैंने आपको डेटा और डेटा टाइप में कल मैंने फ़र्क बताया था कि जो हम टेबल के अंदर जो वैल्यूज़ दे रहे हैं उसको हम डेटा कहते हैं, और हर डेटे की कोई ना कोई टाइप होती है, तो किसी भी डेटा की जो स्पेसिफिक टाइप है उसको हम उसकी डेटा टाइप कहते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में हम मुख्तलिफ फील्ड्स को हम मुख्तलिफ उसकी डेटा टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं, वो हम देखते हैं। लेकिन डिस्क्रिप्शन मैंने कल बताया था कि ये ऑप्शनल है, किसी फील्ड के बारे में आप कोई रिमार्क्स देना चाहते हैं, कोई कमेंट्स लिखना चाहते हैं, ये कोई इतना ज़रूरी नहीं है। हम ज़्यादातर फील्ड नेम और उसकी डाटा टाइप्स वगैरह ही हम इस्तेमाल करते हैं। अब कल मैंने आपको ये बताया था कि जो स्टूडेंट का रोल नंबर है, ये आमतौर पे ज़ाहिर हम इसको टेक्स्ट तो नहीं दे सकते, ये नंबर होता है, इसमें चूँकि रोल नंबर्स आते हैं तो हम इसकी डाटा टाइप जो है ये हम नंबर हम देते हैं, ठीक है। लेकिन कल मैंने एक और चीज़ बताई थी कि इसकी डाटा टाइप हम नंबर भी सिलेक्ट कर सकते हैं और एक ऑटो नंबर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नंबर और ऑटो नंबर में मैंने कल फ़र्क बताया था आपको कि अगर आपको ये पता है कि जो रोल नंबर्स हैं उनके दरमियान में कोई सीक्वेंस नहीं है, मसलन हमने रोल नंबर 501, फिर उसके बाद 503 है, फिर 505 है, फिर 7 है, फिर 8 है, यानी सीक्वेंस नहीं है, तो आप इसको फिर नंबर देंगे। लेकिन अगर आपको पता है कि ये 1 से लेके 100 तक एक लगातार एक सीक्वेंस से नंबर आ रहे हैं, तो फिर आप उसको नंबर की बजाय ऑटो नंबर दें। ऑटो नंबर से फ़ायदा ये होगा कि आपको उस कॉलम के अंदर वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट करेगा, 1 से पहले रोल नंबर से स्टार्ट करेगा, और उसमें ऑटोमेटिकली वो इंक्रीमेंट एक एक ही करता जाएगा, और अगले हर इस यानी रोल नंबर कॉलम में आपको बार बार आगे 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 इस तरह से देने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे आपका टाइम जो है वो सेव होगा। जिस तरह से चलें हम इसको ऑटो नंबर दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि भई हमने एक सीक्वेंस से रखने हैं, तो नंबर और ऑटो नंबर का आपको पता चल गया। उसके बाद हम जो है ना वो स्टूडेंट का नेम देते हैं, ये दूसरा फील्ड नेम रखा। अब इसकी डाटा टाइप जो है, मैंने ये जो एक्सेस 2000 है उसमें तो हम सिंपल जो है वो टेक्स्ट दे देते हैं, सिंपल टेक्स्ट, लेकिन यहाँ पे ना ये चूँकि लेटेस्ट इसका वर्जन है तो इसमें उसने दो चीज़ों में कन्वर्ट कर दी है, शॉर्ट टेक्स्ट और लॉन्ग टेक्स्ट। यानी अगर आप नाम, अब नाम जो है ना वो हम इतना लेंथी नहीं देते, इतना ज़्यादा नंबर ऑफ़ करेक्टर्स नहीं देते, तो इन शॉर्ट टेक्स्ट या लॉन्ग टेक्स्ट हम उन फील्ड्स को रखते हैं, ये डाटा टाइप हम उन फील्ड्स के लिए सिलेक्ट करते हैं जिन में हमने अल्फ़ाबेट्स देने हैं। जिस तरह से अब एड्रेस है उसको, वो भी टेक्स्ट है, नाम है वो भी टेक्स्ट है, फादर्स नेम है वो भी टेक्स्ट है, यानी इस किस्म का जो डाटा है ना जिसमें अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं या अल्फ़ाबेट्स डिजिट्स का कम्बिनेशन आ रहा है, तो उसको हम या शॉर्ट टेक्स्ट देंगे या लॉन्ग टेक्स्ट देंगे, ठीक है। यहाँ पे एक्सेस 2000 में हम उसको सिर्फ टेक्स्ट देते हैं, मसलन अगर स्टूडेंट का नाम है या फादर्स नेम है तो उसको हम टेक्स्ट देंगे, लेकिन ये यहाँ पे हम उसको क्या रखेंगे, शॉर्ट टेक्स्ट। शॉर्ट टेक्स्ट में ये आप नीचे देखें, ये है फील्ड प्रॉपर्टीज़, आप देख रहे हैं फील्ड प्रॉपर्टीज़, हम अगले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। ये फील्ड है, फील्ड के बारे में हमने डाटा टाइप तो यहाँ से रख ली, लेकिन फील्ड के बारे में फर्दर जो तफसीलात हैं, उसका फॉर्मेट क्या होगा, उसकी लेंथ क्या होगी, ठीक है ना, उस पर हमने कंस्ट्रेंट यानी रूल्स क्या लगाने हैं, ये फील्ड के बारे में जो फर्दर उसकी खसूसियात हैं उसको हम कहते हैं फील्ड प्रॉपर्टीज़। वो हम फील्ड प्रॉपर्टीज़ अगले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर उसको टेक्स्ट दिया। अब ये फील्ड साइज़ में आ रहा है 255, यानी जो टेक्स्ट है ये जो शॉर्ट टेक्स्ट है ये मैक्सिमम 255 करेक्टर्स तक हम इसमें दे सकते हैं, यानी इसकी जो मैक्सिमम लेंथ है उसका जो साइज़ है वो 255 करेक्टर्स है। यानी अब इस जब हम डाटा एंटर करेंगे तो ऐसा नाम हम एंटर नहीं कर सकते जिसके 255 करेक्टर्स से ज़्यादा हैं, यानी 256 हैं या 257 हैं, 255 करेक्टर्स तक हम नाम दे सकते हैं, क्योंकि जो शॉर्ट टेक्स्ट है उसकी लिमिट ही कितनी है 255 तक। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा देना चाहते हैं,
लेकिन मैंने आपको जिस तरह से बताया कि 2000 में हम इसको शॉर्ट टेक्स्ट नहीं करते बल्कि सिंपल टेक्स्ट करते। इसी तरह बाकी देखें, ये मैंने उसका स्टूडेंट फादर नेम, ये भी हम शॉर्ट टेक्स्ट ही देते हैं, ये भी 255 तक करेक्टेक्स है। लेकिन इसको साथ साथ ना आप इसको सेव करते जाएं। उसके बाद स्टूडेंट एड्रेस, अब एड्रेस जो है ना आमतौर पर थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, या कोई ऐसा फील्ड है जिसके बारे में आपको थोड़ी सी तफसील लिखना चाहते हैं उसके फील्ड में, उसके कॉलम में, तो उसके लिए फिर आप इसको यानी आपको पता है कि इसके जो नंबर ऑफ़ करेक्टर्स हैं वो 255 से ज़्यादा हो सकते हैं, तो फिर आप इसकी डेटा टाइप यहाँ से ये एक्सेस 2016 में आप यानी लेटेस्ट वर्जन में हम इसको लॉन्ग टेक्स्ट रखेंगे। लेकिन जो आपकी एक्सेस 2000 है उसमें हम इसको मीमो कहते हैं, यानी लॉन्ग टेक्स्ट जिस तरह एड्रेस है या और बहुत सारा जो लेंथी किस्म का टेक्स्ट है उसके लिए हम इसकी डेटा टाइप जो है वो एक्सेस 2000 में हम उसको मीमो रखेंगे और यहाँ पे हम उसको लॉन्ग टेक्स्ट रखते हैं। लॉन्ग टेक्स्ट से क्या होगा कि उसके जो नंबर ऑफ़ करेक्टर्स हैं वो 255 से उसकी लिमिट जो है वो बढ़ जाएगी और हम उससे ज़्यादा नंबर ऑफ़ करेक्टर्स जो हैं वो उसमें दे सकते हैं। तो ये हो गया, यानी अभी तक हमने आपको मैंने आपको तीन चीज़ें बताई हैं, एक टेक्स्ट जो है और मीमो, लेटेस्ट वर्जन में हम टेक्स्ट को शॉर्ट टेक्स्ट कहते हैं और मीमो को हम लॉन्ग टेक्स्ट कहते हैं, और नंबर जो है अब ऑटो नंबर और नंबर में क्या फ़र्क है। मैंने आपको बताया कि आमतौर पे ऑटो नंबर इसलिए देते हैं ताकि हमें बार बार रोल नंबर एंटर करने की ज़रूरत नहीं है, एक नंबर दे दें उसमें ऑटोमेटिकली 1-1 की इंक्रीमेंट होती जाएगी और वो उस कॉलम में ऑटोमेटिकली वैल्यूज़ जो है वो एंटर करता जाएगा। अब स्टूडेंट के मैंने मार्क्स एंटर करने हैं, तो ये मार्क्स हैं, ऐसे फील्ड जिसमें नंबर्स आते हैं तो उसको हम यहाँ पे नंबर सेलेक्ट करेंगे। अब नंबर के हवाले से थोड़ी सी तफसील मैं आपको बताता जाऊँ, यहाँ से तो मैंने उसको नंबर दे दिया लेकिन नंबर में भी रेंज आती है, मसलन छोटे नंबर्स भी हैं, छोटे 3 डिजिट्स वाले भी हैं, फिर 5 डिजिट्स वाले भी हैं, फिर इंटीजर, इंटीजर और सिंगल या रियल वैल्यू, इंटीजर और रियल। इंटीजर और रियल में फ़र्क क्या है कि इंटीजर वो वैल्यूज़ होती हैं जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता, मतलब 10 है, 50 है, 100 है, ये इंटीजर वैल्यूज़ हैं, ठीक है। लेकिन जो सिंगल वैल्यूज़ होती हैं उनको या रियल वैल्यूज़ होती हैं उसमें डेसिमल पॉइंट्स होते हैं, जिस तरह 5.7 है, 5.9 है, तो दोनों नंबर्स हैं लेकिन एक में इशारिया आ रहा है दूसरे में इशारिया नहीं आ रहा, तो जो इशारे के बग़ैर जो विदाउट डेसिमल पॉइंट जो नंबर होता है उसको हम इंटीजर कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें इसकी फील्ड प्रॉपर्टीज़ में, ये फील्ड साइज़ है, यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ ना तो ये यहाँ पे ये आप देख रहे हैं कि ये बटन उसने लगा दिए, ये उसने यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे बाइट, इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर, सिंगल, डबल, ये मुख्तलिफ वैल्यूज़ दे रहा है। अब मैं यहाँ पे अगर बाइट देता हूँ बाइट, तो इसका मतलब ये है कि मैंने स्टूडेंट मार्क्स की जो उसका फील्ड साइज़ है मैंने रखा तो उसकी डेटा टाइप नंबर है, लेकिन नंबर के अतबार से मज़ीद उसकी तफसील में मैंने क्या दिया है, बाइट। बाइट का मतलब ये है कि अब इसकी रेंज नंबर्स में 0 से लेके 255 तक है, 255 तक है। ये आप अगर बुक देखें उसका पेज नंबर 40 देखें तो बाइट में 0 से लेकर 255 तक इसकी रेंज बताई गई है। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने यहाँ से बाइट सेलेक्ट किया है तो आप 0 से लेकर 255 तक नंबर्स दे सकते हैं, और अगर आप नेगेटिव वैल्यू देना चाहें तो नहीं दे सकते, ठीक है ना, क्योंकि इसकी रेंज ही कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से, और कहाँ तक जा रही है, 255 तक, ठीक है ना, 256 वैल्यू आप इसमें एंटर नहीं कर सकते। तो लिहाजा अगर मैंने नेगेटिव वैल्यूज़ भी देनी है या 255 से ज़्यादा रेंज देनी है तो फिर मैं यहाँ से उसकी बाइट से उसको मैं क्या रंगूँगा, इंटीजर। इंटीजर में अगर आप देखें बुक पे पेज नंबर 40 पे तो इंटीजर की रेंज क्या है, -32,768 से लेके 32,767 तक,
यानी नेगेटिव की वैल्यू से लेके पॉजिटिव वैल्यू तक, इसका मतलब ये है कि आप इसमें नेगेटिव वैल्यू, अगर आप यहाँ पे ऊपर से नंबर सेलेक्ट करते हैं और नीचे फील्ड साइज़ में आप इंटीजर देते हैं, तो आप इसमें पॉजिटिव वैल्यू भी दे सकते हैं और नेगेटिव वैल्यू भी दे सकते हैं। लेकिन 32,768 नेगेटिव वैल्यू से कम नहीं दे सकते और 32,767 पॉजिटिव की वैल्यू से आप ज़्यादा नहीं वैल्यू नहीं दे सकते। यानी अगर 32,768 वैल्यू है वो इसमें इंटीजर में नहीं दे सकते। अगर आपने इससे बड़ी वैल्यू देनी है तो फिर आप इसको यहाँ से क्या सेलेक्ट करेंगे, लॉन्ग इंटीजर। लॉन्ग इंटीजर में पॉजिटिव और नेगेटिव की जो रेंज है वो बढ़ जाती है। अगर आपने डेसिमल पॉइंट्स में वैल्यूज़ देनी है तो यहाँ से फिर आप उसको क्या सेलेक्ट करेंगे, सिंगल। ठीक है, सिंगल का मतलब ये है कि अब आप इशारिया वाली वैल्यूज़ भी आप इसमें दे सकते हैं। और अगर 10^10 में अगर आपने पावर में देनी है तो उसको आप डबल आप सेलेक्ट करेंगे। यानी कहने का मतलब ये है तो आपने डाटा टाइप नंबर रखा हुआ है लेकिन नंबर के बारे में मज़ीद उसमें इंटीजर है, लॉन्ग इंटीजर है, सिंगल है, इशारिया वाली वैल्यू है, 10^10 है, ये आपने तफसील नीचे से फील्ड साइज़ में उसको बतानी है। अच्छा, ये नंबर के बारे में हवाले से हो गया। उसके बाद मैं आपको डेट ऑफ बर्थ जो है ना वो स्टूडेंट अंडरस्कोर डी अंडरस्कोर ओ अंडरस्कोर बर्थ, यानी ये जो है ना वो स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि अंडरस्कोर जो है वो एक से ज़्यादा दफ़ा भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये स्पेस नहीं देनी, लेकिन आपने आपस में फील्ड नेम को दरमियान में जो स्पेस की जगह आपने अंडरस्कोर का जो है ना वो सिंबल यूज़ करना है। स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ के हवाले से, अब यहाँ आपको पता है कि डेट ऑफ बर्थ में डेट ही आती है हमेशा, तो यहाँ से फिर आपने इसको क्या सिलेक्ट करनी है, डेट स्लैश टाइम। डेट स्लैश टाइम वो डाटा टाइप है कि हम इसको उस वक्त इस्तेमाल करते हैं और उन फील्ड्स के लिए इस्तेमाल करते हैं जिस कॉलम में हमने या तो डेट एंटर करना हो या डेट एंटर करनी हो या टाइम एंटर करना हो। ठीक है, तो अब चूंकि डेट ऑफ बर्थ में आपको जिस तरह डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ जॉइनिंग है, डेट ऑफ लीविंग है, ठीक है, डेट ऑफ मैरिज है, इस तरह से मुख्तलिफ डेट जो है ना मुख्तलिफ जिसमें हम समझते हैं कि या ऐसे कॉलम्स जिसमें ऐसे फील्ड जो हैं जिसमें या तो डेट आएगी या टाइम आएगी, तो फिर उसके लिए हम उसकी डाटा टाइप जो है वो डेट स्लैश टाइम सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से मैं डेट स्लैश टाइम सेट करता हूँ। तो यहाँ पे देखें ये जो फॉर्मेट है, अब डेट में से भी मुख्तलिफ फॉर्मेट्स आपने देखे होंगे, विंडोज़ में भी डेट के मुख्तलिफ फॉर्मेट्स हैं। तो यहाँ पे फॉर्मेट में मैं इसकी मज़ीद तफसील में बताता हूँ कि ये फॉर्मेट में जाके यहाँ से क्लिक करता हूँ, ये जनरल डेट है। जनरल डेट का मतलब है पूरी डेट भी आ रही है, साथ टाइम भी आ रहा है। ये लॉन्ग डेट है, यानी थर्सडे जो है ना वो नवंबर, ये डेट जो है ना वो आ रही है, ये फॉर्मेट है। मीडियम डेट में थोड़ी सी डेट जो है ना वो रिड्यूस हो जाती है। शॉर्ट डेट में डेट का फॉर्मेट ये हो जाता है। इस तरह से अगर हमने टाइम का फॉर्मेट देना है तो यानी जो आपने मसलन मैं अगर इस फॉर्मेट में या इस फॉर्मेट में देना चाहूँ तो मुझे शॉर्ट डेट सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है ऑटोमेटिकली जो सेटिंग होती है वो क्या होती है, जनरल डेट। ठीक है, तो आपने डेट ऑफ बर्थ जिस फॉर्मेट में आपने देनी है उसको यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, मैं अगर ये शॉर्ट डेट मैं आपको दे देता हूँ तो मैंने इसमें शॉर्ट डेट जो है ना वो, और शॉर्ट डेट में आपको मैं बता रहा हूँ कि 11/12/2015। ठीक है, या मैं ये इसको मीडियम डेट में सेलेक्ट करता हूँ तो मीडियम डेट में आपके जेहन में होना चाहिए कि जब आपने डाटा एंटर करना है वो उसको किस फॉर्मेट में देना है, कि पहले डेट आएगा फिर डैश फिर मंथ फिर डैश फिर ईयर। ठीक है, तो मैं मीडियम डेट जो है वो एंटर करता हूँ, इसमें सेलेक्ट कर देता हूँ, इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो ये डेटा डेट स्लैश टाइम जो है ये हम उन फील्ड्स के लिए सेट करते हैं डाटा टाइप जो है जिसमें या तो डेट एंटर करनी हो या टाइम एंटर करना हो। तो ये हमने अभी तक टेक्स्ट मीमो नंबर्स और नंबर की तफसील, उसके बाद डेट स्लैश टाइम ये उसकी तफसील है,
ठीक है ना, ये हमने अभी तक इसको डिस्कस किया है। उसके बाद इसमें एक आगे ये इसके हाफ डेटा टाइप्स जो हैं वो आ गई हैं। बाकी इसको आप, क्योंकि ये टॉपिक्स जो है ना ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, लेकिन ये उस वक्त आपको समझ में आएगा जब आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं आपको ज़्यादा यानी स्पीड से मैं आपको नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि जो है ना वो जब तक आप इसको करके नहीं देखेंगे खुद से प्रैक्टिकली, तो वो ये चीज़ें आपको क्लियर नहीं आएंगी। ठीक है, आज आपने इसमें ये करना है कि जो टेक्स्ट है मीमो है, यानी जो लॉन्ग टेक्स्ट और शॉर्ट टेक्स्ट है, मैंने आपको बताया कि टेक्स्ट को हम सिंपल टेक्स्ट को, यानी नाम है फादर्स नेम है, उसको हम शॉर्ट टेक्स्ट रखेंगे, लेकिन लेंथी किस्म के टेक्स्ट को जिस तरह से एड्रेस वगैरह है तो उसको हम लॉन्ग टेक्स्ट रखेंगे। ये डिस्क्रिप्शन जो है वो ऑप्शनल है, ये कमेंट्स हैं किसी फील्ड के बारे में, और ये सिर्फ स्ट्रक्चर में शो होंगे। उसकी जो डिज़ाइन डाटा शीट व्यू है जिसमें हम डाटा एंटर करते हैं, उस एनवायरनमेंट में इसको शो नहीं होगी, वो शो ये कमेंट शो नहीं होंगे। तो हम ज़्यादातर फील्ड नेम और उसकी डाटा यूज़ करते हैं। तो ये आपने नंबर्स उसकी मुख्तलिफ रेंज दिए कि डेट ऑफ बर्थ है, उसमें मुख्तलिफ डेट्स के फॉर्मेट सेलेक्ट करके आपने इसकी अच्छी तरह जो है वो आज प्रैक्टिस करनी है। फिर नेक्स्ट जो है वो तीन चार रह गए हैं, वो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना वो हम डिस्कस करेंगे। तो डेट ऑफ बर्थ तक, यानी डेट स्लैश टाइम तक, इस डेटा टाइप्स तक आपने इसको जो है ना वो अच्छी तरह इसको आज इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो यहाँ से कंटिन्यू करेंगे।